ना उभरेंगे आफ्ताबे शौक, इजाजत हो नहीं सकती जहां जुगनू चमकने की। इशराफिया ने इस मुल्क को यगमाल बना रखा है, अवाम पिस रहे हैं, इंसाफ के लिए उन्हें सालों अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और ख़ास तौर पर जो प्रॉपर्टीज़ के मामला होते हैं उसमें अपने ही बहन भाइयों ने अपने सगे बहन भाइयों को जुल्म में धकेला होता है। तो दोस्तों, एहतसाब अदालत कोल्टा का हुकूमत बलोचिस्तान के हाजिर सरपर सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी बल्दियात को जो है ना जुर्माना और सजा दी है। एहतसाब अदालत में मौजूदा सेक्रेटरी बल्दियात बलोचिस्तान और वजीर अला बलोचिस्तान के साबिक स्टाफ अफसर पर करोड़ों रुपये की करप्शन का जुर्म साबित हो गया है। एहतसाब अदालत कोल्टा ने सेक्रेटरी बल्दियात इमरान कुचकी को 8 करोड़ रुपये जुर्माना और 5 साल कैद व जुर्माना की सजा का हुक्म सुनाया है। मौजूदा अदालत के हुक्म पर सेक्रेटरी को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज जनाब आफ्ताब अहमद लोन ने फैसला सुना दिया। करोड़ों रुपये मालियत की कीमती जायदादें, नकद रकम और सोना बहक सरकार जब्त कर लिया गया। इमरान कुचकी जिन्हें वजीर अला के पर्सनल सेक्रेटरी केस से करप्शन करते हुए गैर कानूनी असासा जात बनाए। दोस्तों, ये असासा जात ये तो पकड़ा गया ना तो इसलिए आ गया, बाकी जो लोग हैं सरकारी मुलाजमीन का हालात देख लें कि उनकी तनख्वाह कितनी है, उनका लिविंग कितना है और किस तरह वो मुल्क के लोगों को लूट रहे हैं। इसके साथ ही अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।